किसी महिला या युवती को परेशान करते हैं तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पीड़िता पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हुए न्याय की मांग करती है, लेकिन रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर अपनी सुरक्षा के लिए पीड़िता जाए तो जाए कहां। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र शहर में देखने को मिला, जहाँ एक दरोगा रवि कुमार ने दुकान चला रही युवती के बैनर से मोबाइल नंबर लेकर उसे परेशान करने का काम शुरू कर दिया और व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के साथ अवैध संबंध के लिए परेशान करने लगा। युवती ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर पुलिस अधीक्षक ने उसे ही गिरफ्तार करवाकर महिला थाने से महिला पुलिस बुलाकर एसपी कार्यालय में बैठा लिया, फिर उसे कोतवाली ले जाया गया। कई घंटों के बाद महिला को छोड़ा गया। तब से लेकर अब 8 दिन से लगातार ये युवती कई बार न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन किसी भी पुलिस कर्मी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसके भाई को भी मारा और पीटा गया। वहीं सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लड़की के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि फेसबुक से किसी दरोगा के द्वारा हमारे उनसे चैटिंग की गई है या अभद्रता बीच बीच में की जा रही है। उस प्रार्थना पत्र पर जो स्क्रीनशॉट लगा करके लिखी गई थी और दरोगा की जो डीपी थी मोबाइल फ़ोन से, उनमें बहुत भिन्नता थी, इसलिए वो जाँच को साइबर सेल को दिया गया, जिसका मैं स्वयं पर्यवेक्षण कर रहा हूँ। साइबर सेल के द्वारा इनसे वो अपनी मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन इनके द्वारा वो मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं कराया गया। लिखा पढ़ी में भी नोटिस शामिल कराने के लिए दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा ये उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही ये भी बात पता चली है कि इनके घर पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ से अगर दरोगा के द्वारा कोई अभद्रता की गई है या कोई बात की गई है तो वो फुटेज भी हम लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसकी पूरी जाँच करा सकें। इसी दौरान ये एक बात भी प्रकाश में आई कि इनके मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति के द्वारा इनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। कुछ दिनों पहले ही माननीय न्यायालय के द्वारा एक NBW इनके भाई के विरुद्ध जारी किया गया था, जो धारा 304 का आरोपी था। उसमें दरोगा जी के द्वारा उसके भाई को गिरफ्तार करके अपना जेल भेजा गया है। अब हो सकता है कि इस आक्रोश में आकर के इनके द्वारा इस तरह के वीडियो दिए गए हों, लेकिन फिर भी चूंकि आरोप गंभीर हैं, इस गंभीर आरोप को पूरे तथ्यों के प्रकाश में आए जाने के बाद ही आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।